ये रहा खजूर और ये एक लंगूर। वाह कितने प्यारे। क्यों फील हो रहा है कि मैं आज इंडियन फ्लैग बन चुकी हूँ, व्हाइट ग्रीन ऑरेंज। क्यों पर वो आएंगे सिक्के? हाँ अभी नहीं आएंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सब लोग के? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। एज प्रॉमिस आपकी शादी पार्ट टू व्लॉग के साथ हाजिर है। तो आज के व्लॉग में आप बहुत कुछ देखने वाले हो और कुछ ऐसा भी है जो आप लोग मुझे कमेंट में लाजमी बताना कि ये किस किस ने नोट किया पहली फुर्सत में ही। और इधर आपकी बहन साथ में खाना खा रही थी और साथ में मिक्स जबाने जो है ना वो एंजॉय कर रही थी। बाकी इस वीडियो में तकरीबन आपको सारी की सारी रॉ फुटेज मिलेगी, ठीक है? और मैं इसको वो थोड़ा सा मतलब हाइड नहीं करना चाहती थी, वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी जो मैं वहाँ पे एक्सपीरियंस कर आई हूँ। तो आप भी देखो और इन्जॉय करो। यहाँ पे बारात आ चुकी है और शहरी बेचारा मेरा कैमरामैन जो है उसके स्ट्रगल हैं बेचारे के इस वीडियो में। इधर पहले क्या हुआ और आगे क्या होगा ये मुझे लाजमी कमेंट में बताना कि आप लोगों ने क्या नोटिस किया। मैं एडवांस में सॉरी इस बात के लिए। अच्छा मैं माजरत चाहती हूँ इस चीज़ के लिए, एडिटिंग के दौरान मुझे पता नहीं क्या हो गया था और मैं पता नहीं किस सोच में बैठी थी। तो उस टाइम पे मेरे खुराफाती दिमाग में कोई पता नहीं शैतान कब्ज़ा करके बैठ गया था। अच्छा खैर बात यह है कि गांव की शादी बहुत मज़े की होती है। बस ये है कि हम लोग हम भी गांव के हैं लेकिन हम लोगों के वो कुछ और ही रिवाज पैदा हो गए हैं। हाल में जाके शादी हाल बुक करवा लेते हैं और वहाँ पे जाके हम करते हैं शादियाँ शुदियाँ। अच्छा यहाँ पे आपको ना एक वो ट्रंक नज़र आ रहा होगा, ये है दुल्हन की बरी। पंजाबी से तो असी इनू फरी कहने हैं, आई गैस सराइके च भी वरी कहते हैं। अच्छा खैर जो कि इन्हों यानी दुल्हन नू दूल्हे तरफों मिलती है इन्हों वरी कहते हैं। बस फिर इतने आवाम डांस 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 करी जा रही है। अच्छा ये मत सोचना कि ये वीडियो बनाने वाली मैं हूँ, ये वीडियो बनाने वाली मैं नहीं हूँ, ये शहरी के स्ट्रगल है। और इस वक्त हम अंदर थे या बाहर बहुत ज़्यादा रश था तो जाहिर है बाहर तो हम जा नहीं सकते थे और यहाँ पे शहरी रास्ता ढूंढते हुए कि कैसे मैं अंदर जाऊँ फंसता फंसाता अंदर जा रहा है। और यहाँ पे फाइनली मेरे हाथ में कैमरा आ चुका है और यहाँ पे मैं किसी ऊंची जगह पे चढ़ गई थी और वहाँ से ये शॉट ले रही थी। सारी आवाम जो है ना डांस करी जा रही थी यानी बारात वाले। अच्छा मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं लेडीज़ को कवर कर सकूँ यानी उनके फेसेस ना आएं, लेकिन फिर भी अगर कोई आ गया हो तो मैं माजरा चाहती हूँ। और वैसे मैंने कोई जानबूझ के किसी को ऐड तो नहीं किया, काफ़ी हद तक मैंने कवर किया है, लेकिन अब यहाँ पे अगर कोई आ रहा हो तो उसके लिए सॉरी। एक तो आज मेरा गला ख़राब है, बुखार भी हो गया आपकी बहन को। यहाँ पे एक छोटू सा बेबी आ गया है जो हमारे साथ मस्तियाँ कर रहा था। ये देखो ये देखो तुम्हारी भी बहुत अच्छी है, मेरी भी देखो बहुत प्यारी। आपका शूज भी प्यार है, शूज भी प्यार है। बस फिर अभी दुल्हन तो हमारी रेडी हो रही थी और हमें लेट हो रहा था तो हमने वहाँ से निकलने की
और हमारे लिए तो शादी इख्तिताम को पहुंची। खदीजा लोगों के घर के साथ इनके मेहमान। देखो कितनी प्यारी प्यारी फसलें। रास्ते में जाते हुए हमने प्यारे प्यारे सनफ्लावर देखे। अच्छा यहाँ पे बच्चे बोल रहे थे कि इनका बीज बहुत अच्छा होता है, अच्छा? बहुत मतलब टेस्टी होता है। अच्छा तब मैं बोल रही थी अच्छा, लेकिन मैंने भी ये खाया हुआ है, इसमें बहुत मज़े होता है। और इधर हम एक और जगह पे आ चुके थे जहाँ पे आपको भी थोड़े टाइम तक बताऊँगी कि क्या हो रहा है। इधर हाय एवरीवन, इस वक्त हम एक गांव में मौजूद हैं और इधर हम शादी देखने आए हैं। इस इलाके का नाम है करोड़पक्का और क्या है, बस्ती दहोटा। बस्ती दहोटा, दहोटा दहोटा दहोटा, हाँ यह है बस्ती दहोटा। और यहाँ पे प्यारी प्यारी गायें भी हैं, देखो। आओ आपको मैं ना खुद से, मैं तो पांव दर्द हो रहा था इतने ज़्यादा, वो टाइट था इसलिए हम अपना इजी हो गए हैं। और ये देखो कितनी प्यारी फसलें हैं। हाँ देखो, और वन के जल्दी जल्दी से हमारा हो गया ना, तो इंशाल्लाह एक आ रही है वीडियो हमारी वन के की सेलिब्रेशन की। हाँ और ये रहा हमारा आम का दरख्त, हमारा नहीं है भाई, ये है इधर ही, मतलब इन लोगों का। ये रहा आम का दरख्त और ये रखो, ये रहा खजूर और ये एक लंगूर बदमाश मंकी। वैसे इतने पास से ना कटी हुई गंदम मैं आज पहली बार देख रही हूँ, पहले हम बस वो देखा करते थे। देखो मैं इसके ऊपर चढ़ूंगा, मेरी तस्वीर बनाना अभी है। हाँ बंदरों के काम देखो भाई। बच्चों ऐसा नहीं करो, जूते लेके ऊपर नहीं चढ़ो, उठा लेने हैं जूते लेके ऊपर नहीं चढ़ो। शीज इफी शूज उतार दो। देखो आज मेरी चूड़ियां प्यारी लग रही है ना गाइस, ये मेरी खाला ने मुझे ईद का गिफ्ट दिया था। आज मुझे अपनी चूड़ियां और अपना ड्रेस देख के पता नहीं ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं आज इंडियन फ्लैग बन चुकी हूँ, वाइट ग्रीन ऑरेंज। देख लिया आपको मौसियों में छुपन छुपाई खेले यहाँ पे। हाँ कोई बंदा बाहर ही लगता है, हमें वो लोग छोड़ के जा रहे हैं। भागो बच्चों भाग जाओ, आमी भाग के हम भी भागे। एक तो यहाँ पे चलना इतना मुश्किल हो चुका है, हमारे साथ प्रैंक हो गया, उन लोगों ने कार सीधी की है और हमें लगा शायद वो लोग जा रहे हैं, काश थोड़ा टाइम पहले आ जाते यहाँ पे, कितना मज़ा आ रहा है। हाँ अच्छा, हमारे घरों के साथ भी फसलें हैं, ऐसा नहीं है कि हमने पहली बार देखी हैं, लेकिन हम यहाँ पे यानी इस तरह से पहली बार आना होगा, इतने मज़े में खुले माहौल में भाग रहे हैं। वहाँ पे तो इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस है ना, भी बाहर नहीं जाना, गेट नहीं खोलना, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, तो यहाँ पे मज़े हैं बस भाई।
खेलें। अच्छा शहरी की ये बात भी ठीक है, कहीं पे चले जाओ ना तो वहाँ पे और मजे होते हैं। आपके घर भी जाए तो मजा आता है। हाँ को लेकिन नहीं आता। तो हम 1K की सेलिब्रेशन कुछ इस टाइप की कर लेंगे, कैसा? फसलों में बैठ के हम करेंगे। नहीं यहाँ से फसल उतर चुकी है, इधर सारी रखी हुई है, और ये बस पता नहीं क्या बचा हुआ है। ये क्या बचा? ये देखो इस साइड से गंदम उतर चुकी है और इस साइड पे मकई की बिजाई हो चुकी है। ये सारी हमारे पास मकई है। अभी बड़ी मकई इसके ऊपर वो आएंगे सिट्टे। हाँ अभी नहीं आए अभी ये सारी। हाँ जी अच्छा बस फिर हमारा यहाँ से निकलने का टाइम हो गया और फिर हम निकले इधर खाने वाल में, कुछ थोड़ा सा काम था। फिर उसके बाद हम पहुँचे भावलपुर में, भावलपुर से शायद थोड़ा आगे यहाँ पे है एशिया कैफ़े जो कि हमारा मोस्ट फेवरेट है, जहाँ पे हमने स्टॉप करना ही होता है। अच्छा पहले फसलों में खेल रहे थे ना, तो वहाँ पे आपकी बहन को थोड़ा सांस फूल रहा था, तब आपकी बहन थक गई थी, वहाँ पे भाग रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे तो हम थक गए थे। अच्छा ये है कुछ अंदर का माहौल, एम्बियंस इसका एशिया कैफ़े का, एम्बियंस और एम्बियंस व्हाटएवर। फिर हमने अपना पिज़्ज़े का स्लाइस उठाया और थोड़ी सी केचप ली और बैठ गए, और यहाँ पे हमारा जो है बहुत तंग कर रही थी, बस निकले जा रही थी, हमें फोक से समझ में नहीं आया कैसे खाया, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था उस टाइम, बस फिर खाया स्लाइस और देसी तरह से खाया आराम से, और बस फिर ये सब खाने पीने के साथ साथ बातें और मुझे और ये सब इस तोड़ने खाया है, इसने खाया सब कुछ, ये सारी प्लेट्स जो है ना इस तोड़ने वाली की हैं। जज साहब ये सच है, ये सच है, हैंड्स दिखाओ, मैं फेस दिखाओ, देखो हमारे हाथ बिल्कुल साफ है, ज़्यादा कुछ आपने खाया ये सब कुछ इस लड़के ने खाया है, ये इस लड़के ने खाया, हमने कुछ नहीं खाया था, ये इसके हाथ हैं, ये देखो हमारे नहीं है, इसके हाथ हैं। बस फिर इधर हम खाना खा के, सॉरी पिज़्ज़ा खा के निकले अपने घर को, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका बाहर का व्यू दिखा रही थी आप लोगों के साथ, शेयर कर रही थी कि ये है एशिया कैफ़े जो कि भावलपुर से, मतलब जाते हुए भावलपुर से पहले आता है। फाइनली हम घर पहुंच गए, बनने की खुशी में 1K जरूर से कमा दे उनको हमारे एयरपोर्ट रोड से क्या लेना देना। हाय हाय देखो मेरे इस कमरे की हालत, ये होते हैं साइड इफेक्ट्स शादी पे जाने के। अच्छा हम घर पहुंचे और घर में अपने रूम की इतनी बुरी हालत देख के मेरा दिमाग तो फिर फुल ख़राब हो गया। मैंने जल्दी जल्दी से अपने रूम को क्लीन किया और अपनी ज्वेलरी वगैरह उतार के उनको अपनी अपनी जगह पे लगाया। और आप लोग बताओ आप लोगों का दिन कैसा रहा? हमारा तो ये दिन बहुत ही बिज़ी रहा और मज़ा भी आया, शादी पे तो इतना मज़ा नहीं आया, बस वहाँ पे कुछ फ्रेंड बन गई थी जो काफ़ी अच्छी थी, उनकी कंपनी काफ़ी अच्छी थी, और उसके बाद फसलों में भी मज़ा आया। यहाँ पे भी हैं लेकिन वहाँ पे मतलब इतना परमिशन नहीं है जाने की, वहाँ पे कोई भी नहीं था तो हम आराम से घूम फिर सके। और आप लोग बताओ मुझे आपको इस वीडियो में सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, मेरा पूछो तो आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हो। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि मेरा फेवरेट पार्ट कौन सा था। अच्छा अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो
मेरी इस वीडियो को लाइक कर दे, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दे और प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ मेरा दिन भी अच्छा बनाए और अपना भी। और हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने आस पड़ोस का ख्याल रखिएगा। हमेशा की तरह जादू तो हमारा रह गया और ये हुआ।